खा लेंगे भाई। तो भाई ये है बार, चलो राइड कर लेते हैं भाई स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका न्यू वीडियो में एंड अनदर वीडियो। तो भाई मेरा नाम है कपिल और भाई मेरे पास आ चुका है पोर्टल पे एक ऑर्डर, वो भी देख लेते हैं भाई कितने का टाइम देख लेते हैं भाई कितना हो रहा है। 10:42, अगर गाड़ी के किलोमीटर की बात करूँ तो भाई 62,255 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली हुई है। और ऑर्डर देख लेते हैं भाई कितने का है। ये भाई 262 रुपये का ये ऑर्डर है, जो लेके जाना है भाई मुझे आनंद पर्वत, पिकअप करना है भाई राजीव नगर से मंडोली। तो चलते हैं भाई, करते हैं फटाफट से जाके पिकअप। तो भाई यहाँ से करना है पार्सल पिकअप, और देखो भाई ओवर साइज पार्सल ना हो, बस दिक्कत यही है हमारे लिए। तो भाई राइड कर लेता हूँ मैं स्टार्ट, देखते हैं इसकी ड्रॉप लोकेशन कितने किलोमीटर की दिखाता है भाई ये। भाई 20 किलोमीटर दिखा रहा है ड्रॉप लोकेशन। और भाई पार्सल दिखाता हूँ, देखो कितना बड़ा पार्सल है भाई, ये देखो भाई ये पार्सल है, ये उठ भी नहीं जाता मुझसे, कह रहा मैं नहीं उठूँगा, यानी कि भाई तुम्हें उठना पड़ेगा। और भैया ये आनंद पर्वत जाना पड़ेगा, देखो अभी तो ट्रैफिक जो है वो कम है और ट्रैफिक लगना अभी स्टार्ट होगा भाई, तो निकल लेते हैं इससे पहले ट्रैफिक लगे। तो भाई देखो यहाँ पे भी मैं पहले पार्सल ड्रॉप करके गया हूँ और आज फिर यहीं पे ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो मतलब रिपीट रिपीट लोकेशन आ रही है मेरे पास। तो राइड कर देता हूँ एंड इतने भाई कस्टमर आएगा इतना, तो क्या पता नेक्स्ट ऑर्डर भी आ जाए ना अपने पास। ये होगा डन। ये कौन सा है, चलो उठा लेंगे भाई। तो भाई देखो 2.7 किलोमीटर दिखा रहा है इसकी पिकअप लोकेशन, और पेमेंट अभी कस्टमर ने की नहीं है भाई, कह रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ 2 मिनट में कर रहा हूँ बस, तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में मेरा ऑर्डर मिस हो जाएगा। अब जब करेगा भाई करता रहेगा, स्क्रीन शॉट दिखा दूंगा आपको, फिलहाल इसको पिकअप कर लेता हूँ जाके। तो भाई देखो 137 रुपये आ चुके हैं मेरे पास इस ऑर्डर के, और ये है पार्सल, ठीक है। और भाई जो मतलब जो पहले मैंने पार्सल डिलीवरी किया था उसका पेमेंट जो है वो नंबर पर मैं अगर कराता हूँ तो भाई मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, बट अमाउंट आ जाता, ये आता की तरह ये मेरे को आइडिया नहीं है, पर ये आ जाता भाई अमाउंट। देखो स्क्रीन शॉट, कल का भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। 8.7 किलोमीटर, चलो भाई चलते हैं। और क्या ना कि भाई अब मैं छोटे ऑर्डर नहीं उठाऊंगा बिल्कुल भी, क्या ना इन्हें थक जाता है यार बंदा, पिकअप लोकेशन दे देता भाई ये 3-3, 4-4 किलोमीटर, फायदा क्या यार उसका। तो भाई पार्सल करना है यहाँ पे ड्रॉप, और राइड कर देता हूँ भाई मैं एंड B254 पे। और भाई 137 रुपये की ऑर्डर था, देखो भाई पटेल नगर न्यू दिल्ली, पटेल नगर। अरे आजा यार उठा ले किसी ने यार, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई पार्सल हो चुका अपना डिलीवरी, और मेरे पास ऑर्डर भी आ गया भाई 294 रुपये का, ये देखो। और इसकी पिकअप लोकेशन देख लेते हैं भाई, 1.2 किलोमीटर, चलो भाई चलते हैं, करते हैं फटाफट से जाके पिकअप। तो भाई देखो वो ऑर्डर हो गया कैंसिल, ये देखो दिख रहा है ये हो गया कैंसिल। और भाई मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया, कितने का है वो देख लेते हैं भाई। भाई 341 रुपये का ऑर्डर है, जो लेके जाना है मेरे को पटेल नगर गाजियाबाद। चलो भाई पिकअप लोकेशन देख लेता हूँ उसकी एक बार, 1.3 किलोमीटर, बस ऐसे घूमता रहूँगा मैं, अभी आधे रास्ते आ गए थे मैं पिकअप पार्सल को पिकअप करने के लिए, अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया, अभी ये भी कैंसिल ना कर दे। तो भाई ये है पार्सल, और राइड कर लेते हैं भाई स्टार्ट, और देखते हैं भाई ड्रॉप लोकेशन कितने किलोमीटर के दिखाता है। 27 किलोमीटर, चलो भाई करते हैं जाके इसको ड्रॉप। तो भाई यहाँ पे करना है ड्रॉप, तो
तो भाई पार्सल हो चुका है अपना डिलीवरी और राइड कर देता हूँ भाई एंड। तो भाई 341 रुपये का ये ऑर्डर था जो हो चुका अपना डन। भाई वैशाली गाजियाबाद मेरठ रोड, देखते हैं भाई इसका ड्रॉप लोकेशन 2 किलोमीटर। चलो भैया और भाई देखो जो ये कस्टमर था ना पिकअप लोकेशन पे जो भाई आया था अभी जो पार्सल लेके गया भाई, भाई ने पहले बोला पानी पियोगे, मैंने कि नहीं भाई, कहने लगा फिर चाय पी के जरूर जाना भाई, भाई ने चाय पिलाई और कहने लगा कि देखो भाई मैं भी ये काम करता हूँ पार्ट टाइम में, मुझे पता है। तो भाई देखो ये है पार्सल और भाई राइड कर लेता हूँ मैं स्टार्ट और देखते हैं भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन 14 किलोमीटर वैशाली लेके जाना है वैशाली। भाई ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, देखो 14 किलोमीटर ठीक है। चलो भाई चलते हैं और अभी देखो भाई जो पार्सल में ड्रॉप करके आओ ना भाई, बंदा इतना बढ़िया था ना कस्टमर, कहने लगा कि भाई पानी पियोगे, मैंने कि नहीं भाई मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ चुका है, तो कहने लगा भाई चाय पी के जरूर जाना, मैंने कहा यार क्यों मेरा ऑर्डर कैंसिल कराने पर लगे हुए तुम, कहने लगा भाई कोई बात नहीं कैंसिल होगा तो तुम्हारे पास तो दूसरा आ जाएगा, मैंने हाँ ये बात तो है, कहने लगा भाई मैं भी देखो पार्ट टाइम यही करता हूँ मतलब 2-3 घंटे के लिए रैपिडो ओला चलाता हूँ, मैंने कहा भाई ओला तो अर्निंग कम दे रहा है, कह रहा हाँ भाई बहुत कम दे रहा, कह रहा मैं ज़्यादातर रैपिडो चलाता हूँ और ओला जब चलाता हूँ जब मेरे को मतलब ऑर्डर नहीं मिलता इमरजेंसी में, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, और मेरे को तो भाई ओला चलाए हुए भी कम से कम बता रहा हूँ महीने से ऊपर ही हो गया, रैपिडो भी मैं तब खोलता हूँ भाई जब मेरे को कोई ऑर्डर नहीं मिलता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये लो भाई पेमेंट कितना कर दिया था या करना है? पेमेंट 192 रुपये दे दो, लाओ QR कोड है, एक मिनट दे ले लीजिए। ठीक है भाई, तो भाई देखो 192 रुपये आ चुके हैं और राइड कर देता हूँ मैं एंड, और ये हो गया अपनी डन। चलो भाई वापसी निकल लेते हैं यहाँ से पहले। तो भाई देखो चांदनी चौक का ऑर्डर आ रहा है चिप्पी बड़ा पाओ, उठा लिया ठीक है उठा ले भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया, देख लेते हैं भाई कितने का है, 244 रुपये का है, छोड़ना है ओखला फेस वन इंडस्ट्रियल एरिया। तो भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन देख लेते हैं भाई, ओ भाई साहब 270 मीटर ओनली, अरे गजब, तब तो दिल गार्डन गार्डन हो गया यार, बस ऐसे पिकअप लोकेशन दे जाना यार, ये मूड ख़राब कर देता जब 3-4 किलोमीटर दे देता पिकअप लोकेशन। तो भाई ये है पार्सल और राइड कर लेता हूँ भाई स्टार्ट, देखते हैं भाई ड्रॉप लोकेशन इसकी 20 किलोमीटर। चलो भाई करते हैं जाके इसको ड्रॉप, पार्सल कर दिया भाई यहाँ पे मैंने ड्रॉप और भाई राइड कर देता हूँ एंड, और रिसीविंग भेज दी भाई मैंने कस्टमर को और ये होगी राइड अपनी डन। ये आ गया भाई 244 रुपये। तो भाई देखो ऑर्डर आ रहा है 159 रुपये का, न्यू दिल्ली साउथ एक्शन 1 ओखला फेस 1 से पिकअप करना है भाई, वहाँ जाएगा कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे मैं फंस जाऊँगा जाके क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। बात तो सही है। देखो भैया 261 रुपये का ओखला फेस 1 उठा लो क्या टाउनशिप, यहाँ से तो ऑर्डर मिल जाता है मेरे हिसाब से। ये देखो भाई 300 मीटर पिकअप लोकेशन, क्या बात है भाई। चलो भैया निकलते हैं। तो भाई देखो कस्टमर केयर से बात करके मैंने ऑर्डर करा दिया कैंसिल, क्या क्या लोकेशन मिल नहीं रही तो कहाँ घूमता फिरूँ मैं, कद इधर बुला रहा है कदी उधर बुला रहा है, कहाँ फिरूँ मैं भाई घूमता हुआ, कभी नुगा इधर आओ कभी उधर आओ, कोई पागल बना रखा है यार भाई, ऐसे कस्टमर से ना मूड ख़राब कर देते, सही बता रहा हूँ मैं, मेरा मूड ख़राब हो जाता है ऐसे कस्टमर के साथ।
भुला दे, फिर लोकेशन का नहीं पता रहता किधर उसके किधर। 1 किलोमीटर खामा खाएगा मेरी गाड़ी चलवा दी, तो टाइम खराब कर रहा है वो अलग से यार। और देखो भाई वो ऑर्डर हो गया कैंसिल और ये ऑर्डर आ गया मेरे पास 153 पे, 153 रुपये का, जो छोड़ना है ये साकेत सेक्टर 6। चलते हैं भाई, करते हैं जाके पिकअप। तो भाई देखो ये है पार्सल और भाई राइड कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया भाई, अंदर से ले आना पड़ा यार पिकअप करके। इसकी ड्रॉप लोकेशन देख लेते हैं भाई। तो देखो भाई 9.9 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी 30 मिनट लगने वाले हैं भाई साकेत जाने में खानपुर। यहाँ पे तो भाई वो लग रहा होगा मेरे हिसाब से ट्रैफिक। चलो भाई करते हैं इसको जो कि ड्रॉप। तो भाई पार्सल करना है यहाँ पे ड्रॉप और इनका कस्टमर से बात हो गया, तो कस्टमर कह रहे हैं भाई 2-3 मिनट में आता हूँ मैं। तो भाई मैं राइड इतना एंड कर देता हूँ, ये होगी अपनी राइड एंड, ये होगी डन। ये कहाँ का रहा है, सैनिक फार्म का, न्यू दिल्ली साकेत, सैनिक फार्म उठा लूँ क्या? चलो उठा लेता हूँ यार। वजन है तो भाई कस्टमर पे कर रहा, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने कर दो भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये देखो छोटा सा ही ऑर्डर है और बस इसकी आपको इसको ड्रॉप लोकेशन दिखा देता हूँ, पिकअप लोकेशन। तो भाई इसकी पिकअप लोकेशन देखो 1.4 किलोमीटर। तो भाई ये है मेडिसिन और ये लेके जानी है और राइड कर लेता हूँ भाई मैं स्टार्ट। तो देख लेते इसकी ड्रॉप लोकेशन भाई कितने किलोमीटर की जाता है, 2.3 किलोमीटर। चलो भाई करते हैं इसको भी जाके ड्रॉप। तो भाई पार्सल हो चुका अपना डिलीवरी और राइड कर देता हूँ एंड। 97 का ये ऑर्डर है, ये हो गया डन। और रनिंग देख लो भाई, ये हुई है बस आज, टाइम ख़राब हो गया बस मेरा। एक मिनट मैं दे रहा हूँ तिलक नगर। ले लीजिए। कितना देना है? 97 दिखाओ। तो आ गया भाई 97। और अभी भाई देखो तिलक नगर का ऑर्डर आया था मेरे पास, वो मिस हो गया। चलो भाई मिस होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकल लेते हम। तो भाई ऑर्डर आ चुका है देख लो, 219 रुपये का है। इसकी पिकअप लोकेशन देख लेते हैं पहले तो, 1.1 किलोमीटर। चलो भाई करते हैं जाके पिकअप और कनाट प्लेस पे छोड़ना है जाके। ठीक है यार कनाट प्लेस का भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से तो ऑर्डर मिल जाएगा, अभी टाइम ही क्या हुआ। A few moments later. तो भाई टाइमिंग देख लो, 10:14 और अर्निंग दिखा देता हूँ भाई कितनी हुई आज की। भाई जो अर्निंग हुई है 1454 रुपये की, और गाड़ी के अगर किलोमीटर की बात करूँ तो भाई 62,414 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। तो भाई अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो भाई 1454 रुपये की अर्निंग हुई है आज की। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो भाई इसमें 11.5 घंटे लग गए। अगर गाड़ी के किलोमीटर की बात करी जाए तो भाई 159 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, यानी कि 300 रुपये का भाई मेरा पेट्रोल लग गया, जिसमें कि अगर तेल का खर्चा निकाल के बात करूँ तो भाई 1154 रुपये की अर्निंग हुई है, यानी 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से मेरी अर्निंग हुई है। तो आई होप कि भाई आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर जानकारी अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।